इतिहास की दिलचस्प कहानियों के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें लिव हिस्ट्री इंडिया। भारत का एक बड़ा हिस्सा जो डेक्कन या दक्कन के नाम से जाना जाता है, ये नाम दरअसल प्राचीन मार्ग दक्षिणापथ के वजह से पड़ा है। 2400 साल पहले ये मार्ग प्राचीन मगध राज्य को प्रतिष्ठान या पैठन से जोड़ता था। ये मार्ग बाद में पश्चिम, उत्तर और दक्षिण में काफी अंदर तक पहुंच गया था। इस तरह से ये एक महत्वपूर्ण मार्ग बन गया, जहां से व्यापार, संस्कृति और आस्थाएं होकर गुजरती थी। उत्तरापथ और दक्षिणापथ ने मिलकर भारतीय उपमहाद्वीप के प्राचीन इतिहास में प्रमुख सड़कों का निर्माण किया। तो ये दक्षिणापथ क्या है, इसको समझने के लिए हमें दो तीन जवाब देने पड़ते हैं। पहले, दक्षिणापथ का जो डेफिनेशन है या जो वो शब्द का एटिमोलॉजी जो कहते हैं, तो ऐसा है कि दक्षिण और पथ, तो ये दक्षिण की तरफ जाने वाला महामार्ग था और ये महामार्ग मगध से लेके प्रतिष्ठानपुर, जिसे आज पैठन कहते हैं, वहाँ तक का ये मार्ग हुआ करता था। ऐसे हमें अंगुत्तर निकाय के बाद जो 16 महाजनपद के बारे में कहता है, उस समय के बाद हमें दक्षिण पथ के बारे में मालूम पड़ता है। तो दक्षिण पथ एक व्यापारी महामार्ग था जो मगध से लेके दक्खन के अंदर आता था, और ऐसे माना जाता है कि दक्षिण पथ से ही दक्खन का नाम आया है, और दक्खन की राजधानी प्रतिष्ठानपुर थी। इस इलाके को अश्मक जनपद कहते थे और इसी कारण से दक्षिणापथ बहुत ही महत्व का एक महामार्ग है। दक्षिण पथ के दूसरे भी अर्थ होते हैं। दूसरा एक अर्थ ऐसा है कि जो नर्मदा नदी के उत्तर का भाग था उसे उत्तर पथ कहते थे या उत्तर का विभाग, और उसके दक्षिण में जो विभाग था उसे दक्षिण पथ कहते थे, दक्षिण का विभाग। तो भारत के दो पथ थे, दो टुकड़े थे, दो अंक थे, उत्तर पथ और दक्षिण पथ। तो ये भी एक एटिमोलॉजिकल एक्सप्लेनेशन है दक्षिण पथ के बारे में या दक्षिण पथ के बारे में। तीसरा ऐसा है कि ऐसे कहा जाता है कि गोदावरी नदी के किनारे दक्षिण पथ नाम का एक राज्य हुआ करता था, और इस कारण से इस इलाके को दक्षिण पथ कहते हैं। लेकिन हम आज बात करेंगे उस दक्षिण पथ के बारे में जो एक बहुत बड़ा महामार्ग था, जो मगध से निकले विंध्या पार करके, नर्मदा पार करके दक्खन में आता था। उत्तर पथ का जो महामार्ग था वो तक्षशिला से लेके पंजाब को चीरते हुए गंगा घाटी में आता था, और गंगा यमुना नदी के किनारे से वो मगध तक और मगध की जो राजधानी थी पाटलिपुत्र तक, वहाँ तक जाता था। उत्तर पथ के बारे में हम ये जानते हैं कि ये महामार्ग सिर्फ अलग अलग व्यापारियों के लिए नहीं था, ये व्यापारी महामार्ग नहीं था, मगर ये महामार्ग था जिससे एक के बाद एक अलग अलग योद्धाओं ने अपनी सेनाओं को भारत के अंदर प्रवेश दिया और भारत के ऊपर उन्होंने आक्रमण किया। इंडो ग्रीक्स जिसे कहते हैं, यवन कहते हैं, यवनों के टाइम से ये रास्ता हमें इतिहास में मिलता है। हमें ऐसे भी लगता है कि ये हड़प्पा काल से इस तरफ से लोग सिंधु घाटी की तरफ से जब गंगा घाटी को आते थे तो यही मार्ग से उन लोग प्रवेश करते थे। तो दक्षिण पथ और उत्तर पथ का जो फर्क है मेनली ये है कि दक्षिण पथ में जब आप देखेंगे तो ये एक व्यापारी महामार्ग है, ये एक कॉन्क्वेस्ट का महामार्ग नहीं था, ये एक युद्ध का महामार्ग नहीं था, और यहाँ से बहुत सारे व्यापारी बौद्ध धर्म को लेके और बौद्ध धर्म व्यापारियों को लेके ये एक टू वे स्ट्रीट था, उसने प्रवेश किया दक्खन के अंदर। इस महामार्ग के ऊपर हमें बड़े बड़े बौद्ध स्तूपा, गुफा, लेनी और बहुत बड़े विहार मिलते हैं बौद्ध लोगों के। इस मार्ग पे हमें ज़्यादा करके व्यापारियों का पुरावा मिलता है, और ये जो व्यापारियों का पुरावा है हमें ऐसे मिलता है कि ज़्यादा से ज़्यादा ये व्यापारी बौद्ध हुआ करते थे, जैन हुआ करते थे, अज्वीक हुआ करते थे, और उनके साथ उनका धर्म भी दक्खन के अंदर प्रवेश करने लगा। और उनके धर्म की जो निशानियाँ हमें मिलती है वो ये व्यापारियों की निशानियाँ हैं, क्योंकि इन व्यापारियों के बिना ये धर्म यहाँ फैल नहीं सकता था और टिक नहीं सकता था। तो इसी कारण से ये जो महामार्ग है जिसे हम दक्षिण पथ कहते हैं या दक्षिण पथ कहते हैं, ये एक महामार्ग युद्ध का नहीं था,
ये संग्राम का महामार्ग नहीं था, मगर ये धर्म का और व्यापार का महामार्ग हुआ करता था। तो दक्षिण पथ और उत्तर पथ में दूसरा एक बहुत बड़ा फर्क है। उत्तर पथ एक सीधा सरल मार्ग है जो तक्षशिला से लेके पंजाब होते हुए गंगा घाटी में सीधे एक लकीर के जैसे आता है और बहुत सारे जनपदों को पार करते हुए चीरते हुए मगध तक पहुंचता है। दक्षिण पथ के बारे में जब हम बात करते हैं तो वो ऐसा नहीं है। मगध से अवंती, अवंती से वो क्रॉस करता है विंध्याघाट, विंध्याघाटी पार करने के बाद वो नर्मदा नदी के वहां आता है। नर्मदा नदी के वहां दक्षिण पथ का पहला डाइवर्जन होता है, पहला एक ब्रांच होता है और ये नर्मदा नदी को पकड़े हुए नर्मदा नदी की जो उत्तर की दिशा है, उत्तर का नॉर्थ बैंक जो कहते हैं, उसे पकड़ के महेश्वर से लेके डायरेक्टली भरूच तक ये मार्ग नर्मदा को पकड़ के चलते हुए जाता है। और बहुत सारे व्यापारी जो भरूच के साथ व्यापार करते थे, भरूच और मगध के बीच का जो व्यापार था, दक्षिण पथ यहाँ मोड़ लेके नर्मदा नदी पे ये मोड़ लेके बिना नर्मदा नदी पार किए हुए ये भरूच की तरफ जाता था। दूसरा जो अभी मेन हिस्सा है दक्षिण पथ का, वो नर्मदा नदी पार करके नीचे उतरता था मालवा में, मालवा से नीचे महाराष्ट्र में उतरता था और यहाँ जैसे वो आगे जाता था उसके अलग अलग मोड़ गिरते रहते थे, उसके अलग अलग विभिन्न विभिन्न मोड़, लेफ्ट राइट दाईं बाईं बाजू बहुत सारे मोड़ होने लगे। हमारे पास जो अलग अलग बड़े स्तूप है और विहार है ये भी इसके रास्ते में आते हैं। सांची वगैरह जो है ये भी यहाँ पड़ता है एक मोड़ पे। और नीचे की तरफ जब हम जाते हैं और महाराष्ट्र में हम प्रॉपरली एंट्री करते हैं तो बहुत सारे इसके मोड़ हैं जो समुद्र की तरफ जाते हैं। इसका कारण ये है कि पहले दूसरे ईसा पूर्वी सन में यहाँ बहुत सारा व्यापार होने लगा और यहाँ के जो वीताकुल थे, जो बंदरगाह थे, इन बंदरगाहों पे दूर दूर से जहाज आने लगे। वो फारसी महासागर से आने लगे, वो अरब महासागर के अलग अलग जगहों से आने लगे और यहाँ इंटरनेशनल व्यापार होने लगा। तो अब देखा जाए तो ये जो दक्षिण पथ है जो अब महाराष्ट्र में आ चुका है और महाराष्ट्र में ये जो दक्षिण पथ अब अलग अलग मोड़ लेके समुद्र की तरफ जा रहा है, यहाँ से उसके जो अंग हैं वो नॉर्थ साउथ, ईस्ट वेस्ट और साउथ नॉर्थ सब दिशाओं में इसके ऊपर ट्रैफिक होने लगती है। ये जो पथ हमें कहा जाता है प्रतिष्ठानपुर तक जाता था, पैठन तक, ये पैठन से भी आगे जाता है, ये पैठन से आगे तगार जाता है और हमें प्लिनी जो यवन ज्योग्राफर है जिन्होंने बहुत ही बड़ा भूगोल लिखा है, प्लिनी हमें कहते हैं कि तगार जो आज तेर नाम से जाना जाता है, तेरना नदी के किनारे तगार से सामग्रियां पैठन आती थी प्रतिष्ठानपुर, पैठन से ये कल्याण आती थी, कालियाना कहते थे उसे, और वहां से वो सुपरक सोपारा के पोर्ट से बंदर से रेड सी में जाती थी, रेड सी से ओवरलैंड जाके मेडिटेरेनियन सी में जाती थी और वहां से रोम तक जाती थी। तो ये जो इंडो रोमन ट्रेड का जो पीरियड है, इस पीरियड में ये बहुत सारे अलग अलग छोटे छोटे मोड़ आने लगे। चौल नाम का एक बहुत बड़ा बंदर है सोपारा से दक्षिण की तरफ में, उससे दक्षिण की तरफ में मांदाड जिसे आज कहते हैं हम, जिसे मांडागोरा कहते थे यवन लोग, वो बंदरगाह है। उससे हम और दक्षिण की तरफ केरल की तरफ जाए तो मुजीरस का जो बंदरगाह है बहुत ही जाना माना था, इसका उत्खनन हो चुका है, पट्टनम नाम की जगह है जहाँ मुजीरस हुआ करता था। मुजीरस से और दक्षिण की तरफ जाए हम तो बलीटा था, बलीटा का भी उत्खनन हो चुका है, विजिंजम नाम का आज गांव है वहाँ। और वहाँ से बोट जो आती थी, जो जहाज आते थे, वो श्रीलंका की तरफ रवाना होते थे। श्रीलंका के गोल फिर के ये फिर से ये जहाज तमिलनाडु के कोस्ट पे आते थे और हमें मालूम है कि ये इंडो रोमन पीरियड के जहाज पांडिचेरी के वहाँ अरिकानेरू नाम का एक बहुत बड़ा शहर था उस जमाने में, उस जमाने के साथ भी वहाँ जो बंदरगाह था वहाँ से भी बहुत बड़ा व्यापार होता था। तो अभी हम देखने को जाए तो ये एक समुद्री दक्षिण पथ हो गया जो भरूच से लेके श्रीलंका तक, श्रीलंका को
कवर किए हुए, श्रीलंका से यू टर्न करते हुए तमिलनाडु तक, और शायद तमिलनाडु से ऊपर जाते हुए उड़ीसा तक जाया करता था उस जमाने में। तो हमने बात की समुद्र दक्षिण पथ के बारे में, और हमने बात यह भी की कि मगध से लेके पैठन तक दक्षिण पथ का जो भूमार्ग था वो आया करता था। यहाँ के जो मोड़ समुद्री रास्ते की तरफ मुड़ते थे, वहाँ हमें बहुत सारे बौद्ध लेनी मिलते हैं, बहुत सारे बुद्धिस्ट केव्स मिलते हैं, अजंता के जो केव्स है, एलोरा के जो केव्स है, भाजा, कारला, बेडसा, कुंडाने, कूड़ा, ये सब जो बड़े बड़े विहार है, बौद्ध विहार है, ये सब इन मोड़ पे है जो दक्षिण पथ से समुद्र की तरफ पश्चिम की तरफ मुड़ते हैं। पूर्व की तरफ भी बहुत सारे ऐसे ही मोड़ हुआ करते थे। ये कहाँ जाते थे, ये कैसे आंध्रा में जाते थे, आंध्रा के अलग अलग कोस्ट तक, आंध्रा के बंदरगाहों तक जो हमें बहुत स्तूप मिलते हैं, चग्यापेटा है, फिर अमरावती है, और ऐसे जो बड़े बड़े स्तूप हमें मिलते हैं, जो मॉनेस्ट्रीज हमें मिलती है, जो विहार हमें मिलते हैं, विशाखापट्टनम के बाजू में तो हमें समुद्र के ऊपर विहार मिलता है। तो ये सब जो बड़े बड़े बंदरगाह थे जिनके बारे में हम बहुत कम जानते हैं, ये भी एक दक्षिण पथ का ही हिस्सा था। ये दक्षिण पथ चोला, चेरा और पांड्याओं के राज्यों में भी जाता था, अवश्य ही जाता था, और यहाँ की भी सामग्रियाँ इस दक्षिण पथ से समुद्र की तरफ पूर्व में, पश्चिम में और उत्तर में मगध तक भी जाया करती थी। पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी नाम का एक पुस्तक है, उसमें भी हमें मालूम है कि बहुत सारी ये चीज़ें पश्चिमी समुद्री मार्ग पर जाती थी और वहाँ से यवनों के देश में, इटली में, रोम में भी प्रवेश करती थी। तो ये मार्ग बहुत ही महत्व का मार्ग था, और बहुत साल बाद जब चालुक्यों का राज आया तो यही मार्गों में व्यापार हुआ, चालुक्यों के जमाने में, राष्ट्रकूटों के जमाने में, और जब राष्ट्रकूट युद्ध लेके उत्तर की तरफ आए तो इसी मार्ग से राष्ट्रकूट की सेना भी दिल्ली तक पहुंची, और उत्तरापथ में दक्षिणापथ से अब दक्षिण के लोग भी युद्ध लेके आए।